हाय गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ स्किन केयर मिस्टेक्स की जो हम अपने नाइट टाइम में कर जाते हैं नोइंगली अननोइंगली, और जिसकी वजह से जो हमारा पूरा स्किन केयर गेम है वो पूरा खराब हो जाता है। जितनी भी हमने अब तक मेहनत की हुई होती है अपनी स्किन पे, वो सब हम रात को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो आइए जानते हैं कौन कौन सी है वो स्किन केयर मिस्टेक्स जो हम रात में करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली मिस्टेक है जिसके बारे में मैं बहुत बार आपको बोलती भी हूँ, वो है रात को सोने से पहले अपने फेस को क्लीन ना करना, उसको वॉश ना करना। क्योंकि गाइस, जो दिन भर की जो हमारी डर्ट है, पोल्यूशन का जो इफेक्ट है हमारी स्किन पे, वो सब उस वक्त रहता है। और अगर हम स्किन को उस वक्त वॉश नहीं करेंगे, फेस को नहीं धोएंगे ढंग से, तो क्या होता है कि जो हम रात को सोते हैं और जो हमारे रात में जो स्किन काम करती है अपने को रिपेयर करने के लिए, उस प्रोसेस में काफी हर्डल्स होते हैं, काफी मुश्किल हो सकती है। और उस वजह से जो आपकी स्किन है वो काफी जल्दी ही डल और अर्ली साइंस ऑफ एजिंग शो करने लगती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रात को अपने फेस को अच्छे से वॉश करके धोएं, और फिर फ्रेश फीलिंग भी आती है गाइस। नेक्स्ट है रेटिनॉल के यूज में इनकंसिस्टेंसी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वीक में दो या तीन बार अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस वीक में तो दो या तीन बार अप्लाई कर रहे हैं और फिर हमने नेक्स्ट वीक स्किप कर दिया और फिर उसके बाद, तो ऐसे हम अगर रिजल्ट अगर हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भूल जाइए गाइस, ऐसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको रेटिनॉल्स के। हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उसके यूज में। ऑल्सो जब रात में हम रेटिनॉल को स्किप करते हैं तो क्या होता है कि जो भी वो स्किन को बूस्टिंग देता है, कोलेजन बिल्डिंग में मदद करता है और जो सेल प्रोडक्शन में मदद करता है, उस सब में क्या होता है, जो हमारी स्किन रिपेयर करती है रात को, ये उसमें बहुत ज्यादा असिस्ट करता है। तो ये सब स्किन को नहीं मिल पाएगा। और जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती है जब हम इसको नाइट टाइम स्किन केयर में शामिल करते हैं। तो अगर हम इसको स्किप करेंगे या इनकंसिस्टेंट रहेंगे रेटिनॉल के यूज में, तो हमें इसके रिजल्ट्स बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। थर्ड मिस्टेक है कि हम अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजिंग नहीं करें। कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, तो चलो हमने स्किन को वॉश कर लिया, फेस से ढंग से वॉश किया और बस हम ऐसे ही सो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा गाइस, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी ड्राई हुई भी होती है जब हम फेस को क्लीन करते हैं, उसके बाद में उसको एक अच्छी डोज ऑफ मॉइस्चराइजर चाहिए होता है। प्लस अगर हम रात को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, एक अच्छी सी नाइट क्रीम अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे, तो उससे होता है कि हमारी स्किन को एक अच्छा हाइड्रेशन मिलता है। जो भी स्किन रिपेयरिंग होती है उसमें हेल्पफुल होता है वो, और डीपली आपकी स्किन को वो पेनिट्रेट कर पाता है जो मॉइस्चराइजर होता है, और इससे आपकी जो स्किन सेल्स हैं उनको बहुत अच्छा हाइड्रेशन मिलता है नाइट टाइम में। और अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपकी स्किन में काफी डलनेस और ड्राइनेस हो सकती है। सो गाइज, नेक्स्ट है मिस्टेक, हम जो मॉर्निंग में एक्टिव यूज करते हैं अपनी स्किन पे, उसी को रात में भी अप्लाई कर लेना। तो इट इज नॉट बैड कि चलिए हमने विटामिन सी, यूजुअली हमारी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के लिए होता है क्योंकि वो हमारी जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करता है। सो उसमें क्या होता है कि अगर हम रात में यूज करेंगे, ऑफकोर्स कि वो आपको ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज देगा, लेकिन उसकी जो काफी हद तक जो उसकी वैल्यूज होती हैं वो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के लिए होती हैं। तो अगर आप नाइट में करेंगे तो उसका उतना ज्यादा यूज नहीं होगा। सो इट इज बेटर जो अगर आपको ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज चाहिए, वो आपको और भी ऐसे जो स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे मिल सकती है जो आप रात को यूज कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप मॉर्निंग और इवनिंग वाला जो सिस्टम है वो दोहराएं नहीं। आप मॉर्निंग में मॉर्निंग की चीजें करिए और इवनिंग में इवनिंग के प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। लेयरिंग, जो स्किन की लेयरिंग होती है उसको गलत तरीके से करना। हो सकता है कि हम क्या करते हैं कि हम चलो मॉइस्चराइजर लगा लिया पहले, उसके बाद हमने अंडर आई क्रीम लगाई है, फिर हम स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए जो एक्टिव्स हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। क्या होता है कि हमें जो एक रूल है स्किन केयर का, वो ये होता है फ्रॉम थिनेस्ट टू थिकेस्ट। तो जो थिन कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट्स हैं वो पहले स्किन पे अप्लाई करने चाहिए एंड उसके बाद में थिकेस्ट। सो क्या होता है कि सबसे पहले हमें ऑफकोर्स क्लेंजिंग करनी चाहिए, उसके बाद टोनिंग करनी चाहिए, उसके बाद हमें अंडर आई क्रीम को अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद जितने भी स्पॉट ट्रीटमेंट्स हैं या रेटिनॉल्स हैं वो यूज करने चाहिए अपनी स्किन के ऊपर, एंड उसके बाद में हमें मॉइस्चराइजिंग करनी चाहिए अपनी स्किन पे। तो मॉइस्चराइजर क्या होता है, ये थिकेस्ट होता है। तो या फिर अगर आप फेशियल ऑयल लगा रहे हो
तो ये आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए आपके नाइट स्किन केयर रूटीन में। ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि आप अपने लिप्स को भी उसी तरीके से हाइड्रेशन दें। नाउ गाइज आती है मिस्टेक मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स हम क्या करते हैं कि हम नाइट टाइम में भी हम सोते टाइम मोबाइल फोन्स देखने लगते हैं लेट कर बेड के ऊपर। सो क्या होता है उससे कि जो उसकी जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू रेज होती हैं, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो हमने स्किन केयर रूटीन कर लिया अपना नाइट टाइम, और उसके बाद हम आराम से बैठ के भाई हम अपना मोबाइल देख रहे हैं, तो दैट डजंट वर्क। वो आप उतना ही ज्यादा स्ट्रेन फिर से अपनी स्किन पे डाल रहे हो जो आप दिन भर आपने फेस किया है। तो नाइट का टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप बस स्किन केयर वगैरह करके और आप एक अच्छी सी बढ़िया सी नींद लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी को प्लस आपकी स्किन को भी उतना ही फ्रेशनेस और उतना ही आराम मिले। देन गाइस एक मिस्टेक ये है कि हम क्या करते हैं, हम जल्दी से स्किन केयर अपना किया, जितना भी प्रोडक्ट्स वगैरह लगाने हमने लगाए, उसके बाद में हम एकदम से सो गए। तो उससे क्या होता है, जो आपकी जो स्किन केयर का जो फायदा है वो आपके पिलोज को मिल रहा है, ना कि आपकी स्किन को। आपकी स्किन को हाफ फायदा मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अगर एकदम प्रोडक्ट्स अप्लाई करके और सो जाएंगे तो काफी प्रोडक्ट्स तो हमारी पिलो पे ही आ जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप जब अपना स्किन केयर करें तो वो हाफ एन आवर पहले होना चाहिए या मैक्सिमम 1 आवर पहले होना चाहिए जब आप सोने जाएं उससे पहले। इन सारी बातों के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्किन के लिए होती है एक बहुत ही अच्छी सी साउंड स्लीप। सो आप ये ध्यान रखिए कि आप ऑलमोस्ट 7 to 8 hours की स्लीप हमेशा ले रहे हैं, जिससे आपकी स्किन को भी उतना टाइम मिल रहा है कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके, उसको अच्छे से रेजुविनेट कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल बी बैक सुपर सून विद अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।